सो वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्ञान विजडम दो से तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था आप लोगों के लिए जहाँ पर मैंने एच के लिए कैलकुलेटर बनाया था उससे पहले मैंने आपको एक क्लास टेंथ वालों के लिए कैलकुलेटर बना के दिया था जिसमें आप अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स को देख सकते हो करना कुछ नहीं था आपको जस्ट अपना जो भी प्रीवियस जो भी रिक्वायर्ड मार्क्स था जैसे क्लास टेन हो गया नाइन हो गया जो भी मांगा गया था आपको बोर्ड के द्वारा वो सब मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है दस बारह मिनट का वीडियो बना हुआ है टेन के लिए भी और ट्वेल्व के लिए भी दोनों के लिए मैंने बनाया था तो उस वीडियो के नीचे ट्वेल्व वाले के नीचे बहुत सारा क्वेश्चन आया जो कि बी कॉम या आफ्टर ट्वेल्व के रिगार्डिंग था उन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आज के क्लास में आज के वीडियो में देने वाला हूँ ठीक है सो आ, वीडियो को शुरू करते हैं मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किया है उन सभी क्वेश्चन लगभल जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वही सब है तो अभी हम इन सभी क्वेश्चंस का बात करेंगे आप ध्यान से देखना वीडियो को कोई भी ऐसा डाउट अगर रह जाता है तो आप मुझे फिर से नीचे कमेंट कर देना मैं बताऊंगा ठीक है सो so, अच्छा इसके लिए पहले तो मैं आपको जो क्वेश्चन वो बताया हूँ जैसे क्या क्वेश्चन था मेरे पास में पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया कौन सा मेजर ज़्यादा अच्छा होगा दैट मीन्स विच मेजर शुड आई टेक कौन सा मेजर ऑनर्स में कौन सा लेना चाहिए दूसरा था आपका क्वेश्चन क्या परसेंटेज है केसी में जाने के लिए या के सी या जी दोनों का ही बात करता हूँ मैं ठीक है या अदर कॉलेज कौल, की मैं बात बता दूंगा यहाँ पर जो कॉमन है जो लोकल कॉलेज है आ, रिपीटर्स को कैसे मार्क्स मिलेगा आ, कौन सा डिग्री हमें किस डिग्री की विच फॉर विच डिग्री शुड बी गो आफ्टर ट्वेल्थ देन आ, रिजल्ट का डेट क्या है तो कॉमन बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन था और बी कॉम का सिलेबस और सब्जेक्ट्स डिस्कशन के बारे में भी है कि कैसे क्या होता है एक्चुअली लास्ट वाला ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप बी में हो तो ये जरूरी होगा ठीक है सो so, मैं एक एक करके सब पे आता हूँ सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है तो जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका सिक्स नंबर उसको मैं आपको पी के थ्रू समझाऊंगा क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे और इस बार सी ना क्रेडिट बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है तो इसके अंदर में ऑनर्स और रेगुलर कर दिया गया है दोनों में क्या डिफरेंस है मोर लेस वो सब हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना ठीक है अभी लाइक कर दो और एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पहला बार एक्चुअली बहुत दिन हो गया ऐसे तो लिंक में नीचे दे ही देता हूँ आप लोग करते भी हो बट अभी मैं सोच रहा हूँ उस पर ज़्यादा एक्टिव रहूँ इंस्टा फेसबुक ट्विटर ये सब जो भी आप हैंडल चलाते हो सोशल मीडिया इन सभी का भी लिंक मेरे वीडियो के नीचे रहते हैं ठीक है आप अगर जैसे इंस्टा पे बहुत लोग एक्टिव हो तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो मैंने सोचा है क्या कि अब क्या करेंगे वीडियो तो अपना डाल ही रहे हैं जो आप लोग जो भी नए वीडियो देखने वाले हो आप चाहो तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जैसे ट्वेल्थ वाले हो बी में जा रहे हो बीकॉम में चले गए हो आप क्या कर सकते हो बी वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो ठीक है उन सभी का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे देता हूँ प्लस आपके लिए मैं आ, इंस्टा का भी लिंक दिया हुआ रहेगा या एप का भी लिंक दिया रहेगा आप उस पर भी मुझे फॉलो कर लो ठीक है उससे बेटर क्या होगा मैं वहाँ पे भी अब एक छोटा छोटा स्टोरीज हो गया या छोटा छोटा जो आ, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो ना मैं वहाँ पे भी दे दुआ करूँगा ठीक है सो चलो स्टार्ट करते हैं पहला है विच मेजर शुड आई टेक कौन सा मेजर मुझे लेना चाहिए ठीक है सो देखो मेजर लेने के लिए हमारे पास में ऑप्शन जो है एक्चुअली हमारे पास नहीं है ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है आप किस कॉलेज में जा रहे हो कैसे जा रहे हो तो हमारे पास में दो तरह के कॉलेजेस हैं ठीक है मेजर लेने के लिए कौन सा मेजर आपको लेना चाहिए ठीक है तो मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि एक मान लो कॉलेज ए है एक आपका कॉलेज बी ठीक है यहाँ पे भी दो तरह का क्राइटेरिया चलता है एक जगह पे क्या हो रहा है एक जगह पे परसेंटेज के हिसाब से हो रहा है सब्जेक्ट परसेंटेज आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो सब किस सब्जेक्ट में आपका हाइस्ट परसेंटेज है उसके हिसाब से जैसे कि ये के हो गए ठीक है जी हो गया के सी हो गया जी सी सी हो गया तो यहाँ पर क्या है इन सभी सब्जेक्ट्स में या ऐसे कॉलेजेस, ऐसे कॉलेज जहाँ पे मार्क्स के ऊपर ही एडमिशन मिल रहा है अच्छा परसेंटेज के ऊपर तो वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज देखकर, जैसे मान लो मेरे पास में अकाउंट्स था ट्वेल्व में बी था और बैंकिंग था ठीक है तो अब अकाउंटेंसी में मेरा मान लो 78 था बी में 70 था और बैंकिंग में मेरा पकड़ लो 65 था तो अब कॉलेज की तरफ से मुझे मिलेगा मैं ऐसे में चाहूँ तो मैं बी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ 60 प्लस है किसी में अप्लाई कर सकता हूँ बट कॉलेज मुझे क्या बोलेगा अकाउंटेंसी लो क्यों मेरा अकाउंटेंसी में हाइस्ट है वो मुझे बोलेंगे ठीक है इफ आई डोंट वॉन्ट टू टेक अकाउंटेंसी एज माई मेजर इन uh, बी then I can take टेक uh, any one, one of the three. लेकिन अगर मान लो इनमें नंबर ही मेरा बहुत कम है बैंकिंग में मेरा सिर्फ थर्टी फोर्टी आ रहा है ठीक है यहाँ पर मेरे पास में सिर्फ फिफ्टी आ रहा है देन आई हैव ओनली दिस चॉइस ठीक है हालांकि के सी में हम लोग जब तक थे तब तक फिफ्टी प्लस वाले को मिल जाता था ठीक है तो ये चेंजेबल है ठीक है आप चेंज कर सकते हो बट नॉर्मली ऐसा होता है दूसरा जो कॉलेजेस है जैसे उसमें क्या होता है जैसे आरजो हो गया प्राग हो गया प्राग में तो कम है ऐसा आरजी हो गया ठीक है आरजो मतलब आर्या विद्यापीठ है यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है यहाँ पे आपको पहले तो एंटर होने के लिए आपके पास में मेजर लेने के लिए आपको फर्स्ट डिविजन रिक्वायरमेंट मांगता है ठीक है फर्स्ट डिविजन चाहिए ही मेजर चाहिए तो नहीं तो आप नॉन मेजर में चले जाओगे अब अगर आप फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर अब अपने मर्जी से आप अकाउंट्स ले लो बी ले लो बैंकिंग ले लो जो आपको लेना है आप ले सकते हो ठीक है तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया है ओके देन नेक्स्ट आपके पास में मेरे ओपिनियन में कौन सा मेजर ज़्यादा अच्छा है ठीक है मतलब कौन सा ओपिनियन कौन सा मेजर लेना सही होगा तो अभी सेकेंड पहले क्वेश्चन के लिए था सेकेंड क्वेश्चन के लिए ठीक है देखो मेजर्स अभी अच्छा होता है अभी सी बी सी एस के अंदर में अभी आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा आपका क्या इंटरेस्ट है ठीक है अगर आप देखोगे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा मेजर के लिए मोर और लेस मेजर लेना या नॉन मेजर लेना मतलब मेजर या रेगुलर दोनों में ही जो सब्जेक्ट्स है ओवरऑल तीन साल के बीच में लगभग लगभग सेम ही हो चुके हैं बस यही हो रहा है कि आप सी आर एल यहाँ पे पढ़ रहे हो सी आर एल यहाँ पे पढ़ रहे हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वो लोग कॉर्पोरेट अकाउंट कहीं और पढ़ेंगे मतलब किसी और सेम में पढ़ रहे होंगे ठीक है आप जाकर मैथ्स uh, किसी और सेम में कर रहे होगे वो लोग मैथ्स किसी और सेम में करेंगे आप लॉ किसी और सेम में पढ़ रहे हो वो लोग सिर्फ मतलब ऑनर्स uh, वाले किसी और सेम में पढ़ेंगे ठीक है तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है थोड़ा सा आपको चेंजेस आने वाला है वो आपको <coughs> एक दो आ, मतलब ये इसमें हा? में हाँ ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं तो इसमें कुछ रहा ही नहीं तो ऑनर्स और नॉन ऑनर्स के लिए मेरे ख्याल से अब कोई है नहीं बस एक नाम के लिए है कि आप ऑनर्स हो आप रेगुलर हो बट सब्जेक्ट्स आपको उतना ही पढ़ना है प्रेशर आपको उतना ही झेलना होगा क्लियर है ओके बस क्या है ना कहीं कहीं पर जैसे कि एक जगह पर है कि बी एम में रेगुलर वालों के लिए बी और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स दोनों को मिलाकर एक ही समय में डाल दिया गया रेगुलर वालों को और जो ऑनर्स है उनके लिए बी अलग कर दिया गया बी अलग कर दिया गया उनके पास थोड़ा सा कोर्स कम है रेगुलर वालों का यहाँ पर कोर्स थोड़ा ज्यादा ज्यादा है बट चीज़ तो पढ़ना ही है ठीक है अभी ऐसा हो चुका है अच्छा सो so, मोरलेस दोनों सेम ही है मेरे ओपिनियन में अगर आप देखोगे तो कैसे करना चाहिए हमें हाँ तो आपके पास में तीन ऑप्शन होता है अकाउंट्स का होता है बैंकिंग मतलब फाइनेंस का होता है ठीक है और मैनेजमेंट का होता है तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो बट देखना क्या है अकाउंट्स कब लो आप इफ यू लाइक डूइंग अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स रियली इफ यू रियली लाइक डूइंग सॉल्विंग अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स ठीक है मतलब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पसंद है तब आप यहाँ पर जाओ ठीक है हालांकि थ्योरी तो यहाँ पढ़ना ही पड़ेगा बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सबको अच्छा लगता है तब आप वहाँ पर जाओ पहला पहला चीज़ ठीक है दूसरा चीज आप शुरू से लेकर अंत तक अकाउंट्स के, के प्रति आपका जो एक होता है ना हम लोग को लालच होता है ना वो लालच ज्यादा था ठीक है लालच ठीक है अकाउंट्स को लेकर मतलब अकाउंट्स आपको एक तरह से मोटिवेट कर देता है तो आप उस जगह पर जाओ मतलब आपके लिए वो क्या है वो आप यू यू फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एज कंपेयर टू बी एस टी सब ठीक है आपको लर्निंग पसंद नहीं है यू डोंट लाइक रिमेम्बरिंग और मेमोराइजिंग थिंग्स आपको चीज़ों को याद करना रट्टा लगाते रहना पसंद नहीं है इस केस में भी आप यहाँ पे जा सकते हो ठीक है सो डोंट लाइक आप लिख लो डोंट लाइक मेमोराइजिंग ठीक है आपको मेमोराइज करना या रट्टा मारते रहना पसंद नहीं है ठीक है इस केस में आप यहाँ पर जाओ इसके अलावा फोर्थ आपके पास क्या पॉइंट बन सकता है हाँ आपका एक चीज़ बहुत अच्छा होना पड़ेगा आपका बेसिक्स बहुत मस्त होना पड़ेगा ठीक है बेसिक जो आपका स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा अकाउंट्स का क्योंकि जो आपने इलेवन ट्वेल्व में जो भी किया है वो सब बहुत सही होना पड़ेगा जब वो सब सही है तो सो हम आपको कैसे इवेल्युएट करेंगे अगर आपको लगता है कि आप एच में 60 प्लस आ जा रहा है ठीक है 60 प्लस आ रहा है और आपने सब कुछ किया 11, 12 का और आपको अच्छा लग रहा है ठीक है कि हाँ मैं ये सब जानता हूँ मैं करता हूँ और कर सकता हूँ तो आप करो और सबसे जो अच्छी बात है लड़कों लोग के लिए हालांकि मैं ये बायस नहीं बोल रहा हूँ लड़का लड़की कोई भी हो ठीक है अब दोनों के लिए जब आप जॉब फील्ड में जाना चाहते हो तो उस केस में आप जैसे टेलीस वैली हो गया या आईटी टी सेक्टर में घुसना चाह रहे हो उन सभी चीज़ में आपके लिए आईटी मतलब इनकम टैक्स से बात कर रहा हूँ ठीक है उन सभी सेक्टर के लिए आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है कि आपको जॉब करना है ये सब ज़्यादा सही है अच्छा फाइनेंस और मैनेजमेंट मैं नहीं बोला हूँ कि यहाँ पर जॉब नहीं है ये डिपेंड करता है आप क्या कोर्स करना चाहते हो और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर अगर आप सी ए ठीक है आफ्टर बिकॉम और आफ्टर ट्वेल्व ठीक है सी ए ठीक ना देन और आपका अभी ये भी आ गया है सी एम ए आ गया है ठीक है तो ये सभी कोर्स अगर करना चाहते हो तो उन सभी के लिए सही है ठीक है मतलब बेस आपको ये सब चीज़ चाहिए होगा हालांकि लॉस और सब कुछ चाहिए। तो चाहिए ठीक है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अच्छा दूसरा फाइनेंस के लिए अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल डिग्री में अगर आपको एक्सपर्टाइज चाहिए तो उस केस में आप फाइनेंस के लिए जाओ यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा रट्टा लगाना पड़ेगा ठीक है मैनेजमेंट का सेम वही थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा रट्टा लगाना पड़ेगा मैनेजमेंट के लिए एम बी इन सभी के लिए मतलब जो स्पेशलाइज कोर्स होते हैं ठीक है इसको मैं थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ ठीक है अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था नंबर थ्री uh, मतलब अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है फाइनेंस और मैनेजमेंट इन दोनों में कौन जाने से ज़्यादा अच्छा है जिनको चीज़ों को नए नए चीज़ों को लर्न करना पसंद है हालांकि लर्न तो सभी जगह करना पड़ेगा मैं मेमोराइज करने के बाद कर रहा हूँ प्लस दे नो द आर्ट ऑफ मेकिंग आंसर या आंसर मेकिंग ठीक है आपको आंसर बनाने आता है ठीक है आप आंसर को बना रहे हो उस कि इसमें आप यहाँ पे जाओ ठीक है क्योंकि आपका एक क्वेश्चन दस मार्क के लिए होता है सिक्स हंड्रेड वर्ड तक आपको आंसर टांगना है ठीक है एच में तो ऐसा था नहीं बट यहाँ पे ऐसा होगा तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा ठीक ना और शुरू से ही अच्छा करो तो बेटर है हमारे टाइम में हमें कुछ लोग थे जो कि हमें भड़का दिया गया था कि अरे फर्स्ट सेम में तो मार्क्स ही नहीं आता है मार्क्स ही नहीं आता है हमने भी नहीं आता तो क्या पढ़ना बाद में देखा नहीं है गलत साबित हुआ तब तक हमारा दो सेम जा चुका था ठीक है फर्स्ट सेम जा ही चुका था सेकेंड सेम का हमारा लगभल टर्म खत्म ही था तो उसमें अब क्या पढ़ना तो वो भी गया थर्ड से थोड़ा सा सही हुए पता चला फोर्थ सेम के बाद में मार्क्स बढ़ ही नहीं पाता है क्योंकि उस समय सब्जेक्ट का लेवल ही अप हो जाता है तो हमारे लिए तो इस तरह से हमारा बयागक हमने किया अपना क्योंकि हमें जो सीनियर्स मिले उन्होंने अच्छा अच्छा ज्ञान दिया आपको मैं बोलूँगा शुरू से सही से पढ़ो डिग्री अच्छा रहेगा क्योंकि आज के टाइम में एवरेज आपको डिग्री में सिक्सटी या सेवेंटी परसेंट मांगा ही जाता है ठीक है और अब तो एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर जॉब के लिए आप जाओगे वहाँ पे एक मिनिमम एक परसेंटेज भी दिया ही जाता है अभी भी कुछ कुछ जगह पे और सब बाद में देखना सभी के लिए दिया जाएगा नेक्स्ट uh, <coughs> है वॉट इज योर रिक्वायर्ड व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड परसेंटेज फॉर गेटिंग एडमिशन टू के सी वन लाइनर आंसर है इसका सेवेंटी परसेंट ठीक है पाँच परसेंट ज़्यादा या कम हो सकता है डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज पहले आ रहा है ठीक है मतलब एक कट ऑफ सेवेंटी या सेवेंटी फाइव के आसपास जाता है ठीक है अब उसमें थोड़ा सा बढ़िया घट हो सकता है ठीक है तो आप मिनिमम रिक्वायर्ड सेवेंटी तो लेके चलो ठीक है और फिर डिपेंड करेगा आप जनरल हो ओबीसी हो ये हो थोड़ा सा आगे पीछे होता है एनसीसी वाले हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है ठीक है एक दो परसेंट वो कोटा होता है तो ये सब चीज़ अलग बात है ठीक है अच्छा और एक और चीज़ पर डिपेंड करेगा कैसे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है ठीक है अगर मान लो सभी का सभी अगर मान लो एट्टी वाले ही अप्लाई कर देते हैं जितना सीट है उतना अगर एटी परसेंट वाला आ गए तो फिर 70 वाला तो कोई काम ही नहीं रहा ना उसका ना एटी वाला कोई लिया जाएगा तो ये सब चीज रिक्वायर्ड होता है इस तरह से कट ऑफ बनता भी है तो आप मिनिमम एक रखो कि सेवेंटी है चाहिए ठीक है सेवेंटी चाहिए ऐसा ना हो कि कोई फिफ्टी लगा दिया तो आपको पैसा ऐसे ही बर्बाद होगा कोई फायदा है नहीं ठीक है अच्छा नेक्स्ट है हाउ रिपीटर्स विल गेट मार्क्स देखो रिपीटर्स को कैसे मार्क्स मिलेगा अभी तक इस बात को क्लियर नहीं किया गया बोर्ड के द्वारा ठीक ना तो अगर रिपीटर्स को अगर उसी तरीके से दिया जाए जैसे कि एच एस रेगुलर वाले को दिया जा रहा है ठीक है उस केस में आप लोग को लिए खुशखबरी रहेगा आप लोग पास हो जाओगे क्योंकि पहले वाला मार्क्स लिया जाएगा आपका स्कूल से लिया जाएगा तो अच्छा नंबर आ ही जाएगा विच डिग्री शुड वी गो फॉर ठीक है आप क्या डिग्री के लिए जा सकते हो तो देखो पहले का जमाना था हमारे टाइम में बी ए बी कॉम और लोग बी एस सी कर रहे थे ठीक है अपने अपने बात कर रहा हूँ अभी ऐसा नहीं है अभी आप बी कॉम के साथ साथ में बी कॉम प्लस एल एल बी कर सकते हो ठीक है मतलब बीकॉम प्लस लो आपके साथ आ जाएगा ठीक है थोड़ा तो सा टाइम बढ़ जाएगा लेकिन फायदा क्या होगा आपका दो कोर्स पैरल चलते रहेगा और ये बेटर है ज्यादा अच्छा है ठीक है देन बी ए या फिर बी एस सी प्लस बी एड आ चुका है आई थिंक बी कॉम प्लस बी एड भी होना चाहिए क्योंकि बहुत लोग कॉमर्स में बाद में आकर बी एड करते हैं तो ये सब कोर्स जो होगा वो तीन साल के जहां पे चार साल का हो जाने वाला है बी एस सी प्लस बी एड हो गया हाँ मतलब दो दो डिग्री को एक साथ ज्वाइन कर दिया गया है तो इससे बेटर क्या है कि लोग जो है जल्दी पढ़ के जल्दी अपना निकल जाएंगे हाँ तो आप इस तरह से कर सकते हो इसके अलावा कॉमर्स वालों के लिए एक और ऑप्शन होता है हमारा बी का ठीक है तो आप बी कर सकते हो बीबीए के बाद में आप एम के लिए ट्राई कर सकते हो ठीक है अच्छा फिर एक आपका अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास ट्वेल्व में ले रखे हो तो आप बी के लिए अप्लाई कर सकते हो हालांकि मैं पर्सनली आपको बताऊंगा गुवाहाटी से आसाम से बी करके फायदा उतना है नहीं इवन इन सब का फायदा नहीं है लेकिन इसका सबसे ज़्यादा बेरा गर्खो रखा है ये सब चलो जो भी हो अच्छा एम तो यहाँ पे आपको मिलेगा भी नहीं एम आपको बाहर से निकालना है बी बी आप यहाँ पे कर सकते हो ठीक है स्पेशल कोर्स में वही है सी ए सी एस ठीक है सी ए में ये सब आप कर सकते हो ये बेटर आपके लिए अच्छा एक ऑप्शन देता है ठीक है अपॉर्चुनिटीज अच्छा देंगे अगर आप कर सको तो ओके लास्ट क्वेश्चन अच्छा इसके अलावा एक और मैं एक्स्ट्रा बोलूँगा अभी से ही फिर वही क्वेश्चन कहूंगा हमारे टाइम में हम लोग को अकल नहीं था उतना ठीक है या इंटरेस्ट ही नहीं था या लाइफ को कहीं और पे लेके जाना चाहते थे तो कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में आप ये सब करते हुए ठीक है ऐसा नहीं है कि सब बहुत ही आ, आ, बहुत ज़्यादा विधि हार्ड वर्किंग चाहिए सी एस सी एस कर रहे हो तो बात अलग है लेकिन बी कॉम के लिए उतना ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए डेली का एक से डेढ़ घंटा ट्यूशन क्लास व्लास जो मैथ्स जो भी मैथ्स हो गया या अकाउंट्स हो गया सब हो गया और आपको घर में एक से डेढ़ घंटा का सेल्फ स्टडी इतना काफ़ी है आपके लिए वो आपको एक आ, जेंटल मार्क्स ला देगा आपको आ, कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपको ट्राई करते रहना चाहिए ठीक है कॉम्पिटिटिव के लिए जैसे कि रेलवेज हो गए ठीक है रेलवेज हो गए एसएससी हो गया ठीक है ए पी एस सी हो गया हाँ यू पी एस सी हो गया हालांकि यू पी एस सी के लिए तो बात की बात है ठीक है ये सब उसका बेसिक ही है हाँ एस एस सी में भी तीन लेवल होता है एम टी एस होता है एम टी एस है हमारे पास में सी एच एस एल है ठीक है सी जी एल है तो ये सब अलग अलग लेवल है इन सभी में अगर आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका अच्छा खासा मतलब सैलरी अच्छा खासा पैकेज वाला जॉब मिल रहा है ठीक है तो फिर आप आगे की पढ़ना भी छोड़ दोगे ऐसा भी है हाँ रेलवे अपने आप में अच्छा एक है रेलवे का एक अच्छा स्कोप रहता है तो आप रेलवे में अगर जॉब मिल गया तो हालांकि ये प्राइवेटाइज धीरे धीरे हो रहा है बट अभी भी चांस है ना तो ये सब पे अभी आप थोड़ा थोड़ा ट्राई कर सकते हो हाँ इसके लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप जाकर कहीं पर ट्यूशन ज्वाइन कर लो छः महीना है तीन महीना कोर्स एकदम फाड़ दो गए चीज हो कुछ नहीं होने वाला है पहले एक साल का आपको बेसिक मेहनत चाहिए जो आपको खुद से करना चाहिए या अगर कोई घर में भैया है या कोई और हैं जो कि हैं ऐसे अब अपने सर ही हैं जो कि आपको बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा बेसिक करवा रहा हूँ बेसिक करवा दूंगा तब क्योंकि कोचिंग वगैरह में कहते हैं तीन से छः महीने में कोर्स खत्म करना है दाएँ 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 दाए। पाँच साल पहले का पेपर करा दिया तुम खुश हो या तो पाँच साल वाला का आएगा भी नहीं वो दस साल पहले या बीस साल पहले बाबा आदम के जमाने का क्वेश्चन सब लेकर करा देता है आपको लगेगा कि हाँ तो मैं तो बहुत सीख कुछ सीख गया आप जब जाओगे रियल लाइफ में देखोगे तो नहीं तो पैटर्न ही चेंज हो गया हर तीन साल चार साल में क्या होता है लोग का पैटर्न चेंज होता रहता है ठीक ना तो आपको बेसिक्स अगर क्लियर रहेगा तो ये आपको बहुत फायदा देगा ठीक है और मैं ये नहीं कहूँगा कि जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा है जॉब नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है आपको अपने आप में एक अलग ही मोटिवेशन नज़र आएगा ठीक है इन सभी में हाँ इसमें आपको क्या क्या आता है जैसे रीजनिंग हो गया मैथ्स हो गया इंग्लिश हो गया जी हो गया तो ये सब चीज़ जी के जी ये सब चीज़ ठीक है ये सब चीज़ यहाँ पे आता है तो आप इस सब के लिए भी थोड़ा थोड़ा मेहनत कर सकते हो डेली का एक घंटा भी दोगे तो ये सब कुछ रहता है और आ, मैं क्या कहूँगा कि तीन साल के बीच में हालांकि अच्छा जो पोस्ट होता है जैसे जो आपका पोस्ट आपको बीकॉम के बाद ही नहीं मिलने वाला ग्रेजुएशन के बाद ही मिलने वाला है तो ये अच्छा खासा आपको उस समय जो है बेस दे देगा अगर मान लो आप दो साल या डेढ़ साल भी अगर आप मेहनत कर चुके हो बेसिक के ऊपर तो बीकॉम होने के बाद आप बीकॉम मान लो आप फिफ्थ सेम में हो उस समय से अगर आप लग जाते हो मेहनत करके बढ़िया से ठीक है तो बीकॉम होने के बाद जो भी एग्जाम होगा आप क्रैक कर पाओगे ठीक है मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू वो लोगों का जो कि बीकॉम के बाद में एकदम निकलते हैं तीन महीना में तो हम चीर देंगे फाड़ देंगे ठीक है पाँच दिन पढ़ेंगे दस दिन पढ़ेंगे उसके बाद बोलेंगे इट्स लाइक जिम जिम देखो ना जिम में कैसा होता है कि कोई जब ज्वाइन करता है उसमें पूरा क्या होता है पूरा फीस ले लिया जाता है ठीक ना बिकॉज दे नो कि एल बंदा, अगले पाँच दिन बाद में नहीं आने वाला है खूब अभी मेहनत करेगा स्टार्टिंग में आज तो एकदम पूरा एकदम बाहुबली बन के निकलेंगे और बाद में क्या पता चलेगा कि पाँच दिन बाद में अरे अब तो नहीं हो रहा है ठीक ना यहाँ पे वैसा ही होता है जब लोग जाते हैं पूरा इंथुएस पूरा मोटिवेटेड रहते हैं पूरा एकदम हम तो फाड़ देंगे चीर देंगे बाद में क्या पता चलता है नहीं हुआ ठीक है देखो अब आ गया नेक्स्ट आ गया ठीक है मेरा बैच वाला अच्छा रिजल्ट का डेट कितना है रिजल्ट का डेट क्या है रिजल्ट का डेट है आपका इस मंथ का लास्ट में और लास्ट है बी का सिलेबस जो डिस्कस करना है जो मैं आपको लैपटॉप में करने वाला हूँ ठीक है वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लास्ट में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था ना कि मुझे जहाँ जहाँ फॉलो करने के लिए बोला है कर लो ठीक है सो so, चलो बाय मेरा भी क्लास का भी टाइम so, हो गया ओके कॉन्टूडेंस चलो देखते हैं आपके बी में क्या क्या सिलेबस में क्या क्या है ठीक है वो सभी हम बात करने वाले हैं ओके सो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ देखो बी कॉम रेगुलर वालों के लिए ठीक है हमारे पास दो सेक्शन होता है मैंने आपको पहले ही बताया एक होता है ऑनर्स का और एक होता है रेगुलर का रेगुलर मतलब नॉन ऑनर्स जो जिसे हम बोलेंगे सो so, रेगुलर कोर्स में क्या स्ट्रक्चर और क्या सिलेबस है ये मैं बस इसलिए दिखा रहा हूँ और ये लास्ट ईयर ही आया था ठीक है मतलब ये आपका लास्ट ईयर से ही चलना शुरू हुआ है सी बी सी एस जो नया वाल जो आया था मतलब लास्ट ईयर का सेकेंड लास्ट ईयर हो जाएगा हाँ फर्स्ट सेम से सब लोग कर रहे हैं तो चलो इसमें चीज़ क्या समझना है वो देखना हाँ अब बस सब्जेक्ट्स मिलाना कि फर्स्ट सेम और रेगुलर और ऑनर्स और और में चेंजेस आपको क्या मिलने वाले हैं मोटा, है, है, मोटा मोटी मैंने आपको बताया जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो मोटा मोटी सेम है ठीक है आपको बस देखना ये है समझना ये है कि आपको ऑनर्स क्यों लेने से अच्छा है ठीक है तो लोग जो आपको मान मन है आप वो ले सकते हो ठीक है बट ऐसे ऑनर्स लेना मेरे ख्याल से अच्छा क्यों है मैं उसके उसके ऊपर बात करूँ ठीक है सो चलो देखते हैं तो so, यहाँ पर आप देखो आ, पहला फर्स्ट सेम आपका छः सेमेस्टर होता है फर्स्ट सेम में यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन मिलेगा ठीक है और ये इंग्लिश हिंदी और एम जो आपका जहाँ का है उसमें मिल सकता है आप एक चीज में बता रहा हूँ ठीक है आप जो है ना हमेशा इंग्लिश मीडियम से ही लेना ठीक है क्योंकि हिंदी वाला का जो कौम, बिजनेस कम्युनिकेशन है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं रहेगा क्योंकि वही सब चीज़ आप वही लेटर पढ़ोगे वही चीज़ पढ़ोगे लेकिन आप हिंदी में पढ़ोगे ठीक है बस उसी का हिंदी ट्रांसलेट रहेगा बेकार होगा मेरे ख्याल से ठीक है आप इंग्लिश में लो आपके लिए सही होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले भी आता था वो अभी भी है बट इसका जो कंटेंट है वो बदल दिया गया है ठीक है कंटेंट के साथ भी छेड़छाड़ किया गया है तो ये हम आपको बताएंगे अगर आप बोलो कि हाँ फर्स्ट सेम का पार्टिकुलर एक वीडियो बना दीजिए तो उसमें आपको बताऊंगा अभी मैं सिर्फ बी के सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ बी ओ एम हो गया पहले होता था बी ओ ई डी बिजनेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन्टरप्रीनरशिप डेवलपमेंट अभी हो गया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ठीक है देन उसके बाद में आपके पास में है इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है उसके बाद में इन सभी को होने के बाद अब यहाँ पर आपका फर्स्ट सेम खत्म होता है तो फर्स्ट सेम में अगर मैं बात करूँ जो आपको पढ़ना है ट्यूशन वगैरह जो लेना पड़ेगा वो इसके लिए लेना पड़ेगा ठीक है इसके लिए आपको लेना पड़ता है क्योंकि ये अकाउंट्स है बाद बाकी चीज़ आप चाहो तो खुद से भी आराम से कर सकते हो ओके सेकेंड सेम में आता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ आप जानते हो कोई भी डिग्री कोई भी कोर्स में एक बार ए वी एस आता ही है तो ये आपको एक बार मिलेगा ठीक है देन आएगा आपका बिजनेस लॉ ठीक है यहाँ पे आपको जो पहले सब्जेक्ट था आर एफ बी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस वहाँ पे आप उसको हटाकर अभी बिजनेस लॉ कर दिया गया नाम बदला गया ठीक है तो यहाँ पे आपको वही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेल ऑफ गुड्स से एक्ट ये वो बहुत सारे एक्ट जो भी है वो सब आपको मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद में आपके पास में आता है पहले आज भी, भी दो बार आता था ठीक है इस बार अभी जो है अभी तक एक ही बार है उसके बाद में रेगुलर वालों को मैं बता रहा हूँ ठीक है ये क्या आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स तो इसके लिए भी आपको इस बार ट्यूशन लेना पड़ सकता है इसके लिए भी लेना पड़ सकता है क्योंकि ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लीकेट होता है इंग्लिश टू आप लोग निकाल पाओगे रेगुलर वालों का बात कर रहा हूँ ठीक है देन उसके बाद में आपके पास क्या आता है थर्ड सेम कंपनी लॉ ठीक है कंपनी लॉ आपको मिल गया जो थोड़ा टफ भी होता है इनकम टैक्स आईटी जो है मेजर नॉन मेजर दोनों के लिए एक सेम में बराबर ही है तो यही एक कॉमन बैच था जो अभी तक तो मेरे पास में एक साथ पर नहीं तो सबके लिए मुझे दो दो बार कराना पड़ा ठीक है भले ही चार पाँच स्टूडेंट क्यों ना हो एम फिर आपके पास आ जाता है जो लोग हिंदी रखे हैं या एस जो भी रखे होंगे हिंदी एम आई जो भी हो ठीक है उसके बाद में इन दोनों में से आपको कोई एक लेना पड़ेगा ठीक है या तो आप न्यू वेंचर प्लानिंग ऑप्ट कर लो या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन भी तो जो लोग कंप्यूटर से हो ये लेंगे नहीं तो न्यू वेंचर प्लानिंग लेंगे ठीक है ओके okay. मैम इसमें जो है ना क्या ना कि एक आपको लैंग्वेज मिलेगा ठीक है दो कोर रहेगा हर सेन में और एक स्किल के ऊपर रहेगा इस तरह का ही बनाया गया एक सॉफ्ट स्किल्स का आ गया फोर्थ सेम में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कोर है आपका अकाउंट्स के लिए कॉमर्स के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छा अब एक चीज़ देखो पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तो हम लोग पढ़ते थे नॉन मेजर्स भी बट एक आता था एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वो सिर्फ मेजर वाला ही करते थे इस बार ये तो दिया ही गया है ठीक है प्लस कोस्ट अकाउंटिंग जो पहले सिर्फ मेजर वाले ही पढ़ते थे इस बार पास वाले भी पढ़ेंगे थी, ठीक है मतलब रेगुलर वालों को भी कोस्ट अकाउंटिंग करना पड़ेगा पहले जो बी एम एस बोल के जो एक आया था यहाँ पर ये वाला चीज सिर्फ मेजर वाले करते थे अभी दोनों को करना पड़ेगा ठीक है इस तरह से दिन इन दोनों में से कोई भी है क्या तो ई e कॉमर्स या फ्री फाइलिंग ऑफ ऑफरेटर ठीक है उसके बाद फिफ्थ सेम में आते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मतलब एच आर एम हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग बोल कर तो मार्केटिंग मैनेजमेंट पहले बोलता था अभी प्रिंसिपल मार्केटिंग होगा बुक का नाम ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक है ऑडिटिंग बोल एक हमारा था ही पहले ऑडिट एंड एश्योरेंस उसको कर दिया गया ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक है देन उसके बाद में आई एफ एस बोल के अच्छा आई एफ एस पहले भी था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वो अभी आ गया फिर से फिफ्थ सेम में बस हुआ क्या है जो आई एफ एस पहले हम कभी और पढ़ रहे होंगे इसमें कभी और आ जाएगा इस तरह से ठीक है मतलब मैं पहले का बात कर रहा हूँ मतलब हमारे वक्त का ठीक है सी बी सी एस का नहीं ठीक है सी बी सी एस में थोड़ा सा चेंज जो है वही पैटर्न बदल दिया उसके बाद में आता है फंडामेंटल फंडामेंटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट देन इनडायरेक्ट टैक्स लॉ तो इनडायरेक्ट टैक्स लॉ जो है इनडायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब आपको इसमें से आप लोग ले लोग ही आई टी इंडायरेक्ट टैक्स जी एस टी वगैरह पढ़ने के लिए इन दोनों में से आपको कोई एक लेना है फिर यहाँ पर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इसमें से कोई एक लेना है तो यहाँ पर अच्छा इसमें भी क्या है ना फिफ्थ से में ये सब आपको नहीं मिलेगा ठीक है आपको जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से सो बेसिकली एच आर एम मैनेजमेंट वाला हो गया जो पहले मैनेजमेंट करके जो पड़ता था ना कि हम मैनेजमेंट ऑनर्स लेंगे एच आर एम वाले हो जाएंगे ठीक है अब देखो ये पास कोर्स में है लेकिन समझना है इस चीज़ को ठीक है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग ये फाइनेंस आ गया इंडियन फाइनेंस फाइनेंस वालों के लिए लेकिन है पास कोर्स हाँ नेक्स्ट देखते हैं मतलब यू कैन टेक वट एवर यू वॉन्ट इस तरह का सिस्टम बनाया गया है नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट एक नया सब्जेक्ट आ गया एंटरप्रेन्योरशिप पहले भी था नहीं यहाँ पे नहीं था तो ये आपको आ गया उसके बाद में एनी ऑफ द फॉलोइंग इसमें से कोई आप ले सकते हो बिजनेस इकोनॉमिक्स एफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है देन सिक्स एम में आता है फिर अगेन वही चार में से कोई एक चुनो एडवर्टाइजिंग बैंकिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंप्यूटाइजर तो जो लोग अकाउंट्स प्रिय है वो लो अकाउंट्स में यही वाला चुन लेगा ठीक है फिर इसमें से कोई भी एक चुनो इंटरनेशनल बिजनेस ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस था फिर उसके बाद है फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर अफेयर्स एंड कंज्यूमर केयर दैन उसके बाद में यहाँ पर ये सब है ठीक है तो इसमें आपको कुछ है नहीं ज़्यादा मतलब इधर में क्या है ना आपको ये चार में से कोई एक चार में से कोई एक ऐसे करके चुनते जाना है ठीक है सिक्स सेम फिफ्थ सेम इन सब में बाकी सब में आपके पास में इस तरह का ही पैटर्न में ठीक है ये हो गया किसका ये हो गया आपका मैनेजमेंट मतलब रेगुलर वाले का ठीक है अब हम देखते हैं ऑनर्स में क्या चेंजेस है आपको समझ में आया कि ऑनर्स इसमें अंतर क्या हो रहा है डिफरेंस क्या हो रहा है चलो ऑनर्स वाला आया बिजनेस कम्युनिकेशन पहले भी था आपने देखा था वहाँ पर पास कोर्स में यहाँ पर भी आ गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले भी था अभी भी है और सेम चाहिए कोई चेंज नहीं है कंटेंट में ठीक है बिज़नेस लॉ पहले भी था यहाँ पर भी है बस अब चीज़ क्या होगा वहाँ पर बिजनेस लॉ कहाँ पर था वो देख लो वहाँ पर बिजनेस लॉ था थर्ड से में रेगुलर वालों का ऑनर्स वाले को फर्स्ट सेम ठीक है देन इन दोनों में से कोई एक चाहिए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स वहाँ पर भी आपको दिखा होगा सिक्स सेम के आसपास में कहीं भी एक बार ठीक है यहाँ पर कहीं पर एक बार आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स दिखा होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स है माइक्रो फाइनेंस है इंडियन इकोनॉमी है और कहीं मैं वो दिखा होगा ठीक है गया अच्छा चलो इधर में मुझे भी नहीं दिख रहा है अगर होगा तो दिख जाएगा आप तो लोग पी डी में देख भी सकते हो डाउनलोड करके ठीक है देन इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट ये भी उधर भी था ठीक है फिर आते हैं सेकेंड सेम में इन्वायरमेंटल स्टडीज सबका सेम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट लॉस ठीक है सो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पास कोर्स वाले में था क्या हम देखते हैं पास कोर्स वाले में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है क्या आ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये रहा देखो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कोस्ट अकाउंटिंग है ना पास कोर्स में था फोर्थ से में और यहाँ पर आ गया है थर्ड से में कॉरपोरेट लॉ वहाँ पे भी था यहाँ पे भी है ठीक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आ गया है. अच्छा माइक्रो इकोनॉमिक्स उधर भी आपको दिख जाएगा कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आपको दिख जाएगा इनकम टैक्स ये तो पूरा सेम सेम है ठीक है थर्ड सेम में उन लोगों को भी मिलता है इन लोगों को ही मिलता है ठीक है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस फिर अगेन सेम हो गया बिजनेस स्टैटिस्टिक्स अब इनके पास में एक क्या होता है ये स्टैटिस्टिक्स वहाँ पे एक चेंज होता है यहाँ पर आपको जो है बी एक साथ आ गया बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स ये आपको सेकंड सेम में मिल गया एक ही बार ठीक है मतलब फोर्टी फोर्टी करके फोर्टी इधर फोर्टी उधर ऐसे करके आपको दे दिया गया है ठीक है या थर्टी फिफ्टी करके ऐसे एक सेम में बट ऑनर्स वाले को एक बार आपको बी पढ़ना है एक बार आपको बी एस टी पढ़ना तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या पढ़ लिया बी पढ़ लिया ठीक है अच्छा फिर देखते हैं इधर में न्यू वेंचर और अंटरप्रीनरशिप जैसे टाइप वैसे ही है कोस्ट अकाउंटिंग देखो कोस्ट अकाउंटिंग आ गया बिजनेस मैथमेटिक्स एक अलग से आ गया और एच इधर भी है एच उधर भी था ठीक है ना देन यहाँ पर इकोनॉमी फाइनेंस ई कॉमर्स वाली रिटर्न सेम हो गया फिफ्थ सेम में प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है उसके बाद में यहाँ पर देखो इसमें से आपको जो अगर आप जो मेजर लेना ले रहे हो ठीक है जैसे अकाउंटिंग वाले हो तो अकाउंटिंग वाले, तो वाले ले हुए ठीक है सो so, इस तरह से आपको कोई भी एक आपको चूज करना है ए से अदर देन डी ए सी टू ठीक है और डी ए सी वन डी ए सी वन डी ए सी टू इधर में आपको कहीं पे दिख रहा होगा ये रहा so, ठीक है मैं ओवरऑल बताता हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडवर्टाइजिंग बैंकिंग कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम आई एफ एस इसमें से आपको शायद दो, दो यहां पे आपको लेना होता होगा ठीक है इधर में आपने दो ले लिया है यहां पे आप दो यहां से लेना पड़ेगा ठीक है तो आपका ये चार हो जाएगा सिक्स सेम में अगेन सेम वही कहानी ऑडिट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहेगा इनडायरेक्ट टैक्स लॉ रहेगा देन यहाँ पर अगेन आपको इसमें से कोई दो चूज़ करना होगा ठीक है इस तरह से अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मैं जो कहूँगा आप अगर देखते हो देखो तो फिर यहाँ पर भी एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आ ही रहा है वहाँ पे भी था वहाँ पे एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नहीं था वहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग था ठीक है मतलब थोड़ा सा सब्जेक्ट का ही चेंज है नहीं थोड़ा सा चीज़ आपको ज़्यादा पढ़ने को मिल रहा है ऐसे मतलब पढ़ने को मिल रहा है आप उसमें भी आपको ऑप्शन मिल रहा है आप ये ले रहे हो वो ले रहे हो वो ले रहे हो ठीक है अब यहाँ पे चीज़ क्या होगा जो लोग अकाउंट्स वाले होंगे वो अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट चुन लेंगे जो बिजनेस मैनेजमेंट वाले होंगे मैनेजमेंट वाले चुन लेंगे और जो लोग फाइनेंस वाले होंगे फाइनेंस वाले चुन लेंगे इस तरह से हो जाएगा ठीक है तो देखा जाए तो आपके पास में जो है मतलब जो सब्जेक्ट्स है ना वो लगभग लगभग सेम ही होता है इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि मोर और लेस आपका बी में अभी जो सब्जेक्ट्स है सेम है तो आप ये ना सोचो कि हम ये पढ़ेंगे मतलब ऑनर्स नहीं लेंगे हम रेगुलर ही लेंगे रेगुलर ए होता है ऑनर्स स्टफ होता है ऐसा कुछ नहीं है अभी थोड़ा सा मेहनत करना होगा लेकिन क्या होगा आपके नाम के साथ में या बी कॉम डिग्री के साथ में आप बोल सकोगे कि हम क्या है हम ऑनर्स वाले हैं ठीक है अकाउंट्स ऑनर्स ऐसे आप बोल सकोगे लेकिन ऐसे नॉर्मली आप क्या बोलोगे ऑनली रेगुलर बी में रेगुलर ठीक है और पूरे कॉलेज में आप कहीं ना कहीं आपको एक इन्फेरियरिटी भी आपको दिखेगा कॉलेज में मतलब जो रेगुलर वाले हैं थोड़ा सा ऐसा कोई चीज़ ख़राब नहीं होता है बट ऐसा दिखेगा इसलिए मैं बोल ठीक ना सो so, चलो बाय शायद वीडियो आपको पसंद आएगा ही अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सबका जरूर करना ठीक है और शेयर कर देना और मैंने जो स्टार्टिंग बताया था वो जरूर करना ठीक है मैं जहाँ जहाँ पे आपको लिंक वगैरह जो दे चुका हूँ जैसे फॉलो वालो करने के लिए ठीक इंस्टा है इंस्टाग्राम तो आप जरूर जाके एक बार देखें ठीक है चलो बाय